टीम्स के बीच में भी फाइट हम लोग को देखने को मिल सकता है, गॉडल और टीम आई थिंक बीएस के बीच में फाइट देखने को मिल सकता है। एक्जिस्टेंस के ऊपर स्प्रेज आता हुआ, एक्जिस्टेंस काफी ज्यादा लिट हो चुके हैं टीम नंबर फाइव के प्लेयर्स, दैट इज टीम बीएसयूडी और टीम गॉडल के बीच में फाइट। एंड एक्जिस्टेंस यहाँ पे एडब्ल्यू के द्वारा पीक करेंगे एंड बहुत ही बेहतरीन हेडशॉट ऑन टुवर्ड्स फैटल एंड इंस्टेंटली यहाँ पे अनमोल यहाँ पे उनको रैप देना चाहेंगे। एक और शॉट पड़ा डेफिनेटली बट फिनिश नहीं हो पाए एंड यहाँ पे कवर फायर जरूर मिलेगी टीम बीएसयूडी के स्क्वाड की तरफ से। मीनवाइल गॉडल के बाकी प्लेयर अपने आप को रिलोकेट कर रहे हैं जरूर एंड यहाँ पे डूड L69 को भी स्पॉट करते हुए एक्जिस्टेंस बहुत ही बेहतरीन शॉट लिया यहाँ पे एक्जिस्टेंस। कैन वी हैव #XZOP इन द चैट। एंड टीम गॉडल के बाकी प्लेयर्स भी यहाँ पे रोटेट आउट करने की कोशिश कर रहे हैं। टीम बीएसयूडी के आयरन फिस्ट थोड़ा सा अग्रेसिव हो रहे हैं, ही नोज दैट यहाँ पे एक्जिस्टेंस को पकड़ के रखा है उन्होंने, ये चांस मिस नहीं कर सकते। बट RIP स्क्वाड के गुरकरण ने वहां पे टीम INT स्नैक्स को एंड टीम गॉडल के प्लेयर्स की तरफ चलते हैं। यहाँ पे गॉडल के प्लेयर्स यहाँ पे धीरे धीरे पुश करना चाहेंगे, कैरी यहाँ पे नॉक हो चुके, फ्लेम सीई ने वहां पे हैरी को नॉक कर दिया एंड कैरी को यहाँ पे OCT के एसिड FYL ने नॉक किया है। स्मोकी की तरफ चलते हैं, यहाँ पे स्मोकी पुश इन करना चाहेंगे, मैट ने वहां पे रेट्री के एशनूक को नॉक कर दिया एंड देखते हैं यहाँ पे टीम गॉडल की प्लेयर्स कैसे डील करते हैं यहाँ पे टीम OCT के साथ। एंड OCT के बाकी प्लेयर्स की अगर बात करें यहाँ पे आई थिंक एग्जिस्टेंस ने वहां पे फिनिश ऑफ कर दिया उनके टीममेट को। जूनियर यहाँ पे काफी ज्यादा दूर है अपने स्क्वाड से, तो अभी फाइट आई डोंट थिंक यहाँ पे चलता हुआ है। यहाँ पे गॉडल की स्क्वाड यहाँ पे भारी पड़ती हुई टीम नंबर 10 के तरफ देखते हैं। यहाँ पे एनिग्मा जो है वो तो नॉक होके पड़े हैं एंड जूनियर यहाँ से पीछे फॉल बैक कर रहे हैं, बट टीम नंबर 13 के प्लेयर्स उनको स्क्वाड आउट करते हुए यहाँ पे जूनियर को फिनिश ऑफ कर देंगे गॉडल के एग्जिस्टेंस। इनफैक्ट ELV की स्क्वाड की भी फाइट देखते हैं यहाँ पे टीम गॉडल वर्सेस BSUD का हम लोग को देखने को मिल सकता है। यानी फिलहाल टीम गॉडल की स्क्वाड जो है रोटेट कर रही है इनसाइड द जोन, तो उनको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है सच। एंड यहाँ पे गॉडल कैरी अब आजकल ज्यादातर मेरे को देखने को मिल रहा है बहुत सारे प्लेयर्स बगी इंडिविजुअल बगीज यूज कर रहे हैं अपने लिए, तो काफी रिलायबल होता है शायद इनको बगीज, क्योंकि पीछे से जो शॉट्स हैं वो नहीं पड़ती। बट बगी का एक डिफिकल्टी ये है कि आपको अगर यू नो काइंड ऑफ टायर फ्लैट हो जाए तो दिक्कत हो सकता है। मीन बाय गॉडल की स्क्वाड यहाँ पे टीम ब्लिट्स के प्लेयर्स के ऊपर यू नो पुशिंग करते हुए, बट यहाँ पे उनकी तरफ भी फाइट होता हुआ टीम नंबर 18 का। एंड चलते देखते हैं यहाँ पे क्रॉन्टन के पर्सपेक्टिव में। मीन बाय क्रॉन्टन का बहुत ही बेहतरीन नीट जाता हुआ ब्लिट्स के टीम को नॉक करते हुए, ऑस्टिन ने वहाँ पे ट्रिगर को नॉक कर दिया, लॉ ने यहाँ पे क्रॉन्टन को नॉक कर दिया एंड गॉडल के कैरी यहाँ पे फॉल बैक जरूर करना चाहेंगे। एग्जिस्ट ने वहाँ पे एक काउंटर नॉक दिया है, तो देखते हैं यहाँ पे एग्जिस्ट क्या किसी को ढूंढ पाते। कैरी ने यहाँ पे ब्लिट्स के ओनी को नॉक कर दिया, अभी देख सकते हो कैरी आई थिंक पुशिंग करना चाह रहे हैं एंड यहाँ पे ब्लिट्स के ओनी की तरफ शॉट्स लेते हुए, बट कैरी यहाँ पे काफी अग्रेसिव हो चुके हैं। डेफिनेटली 1v1 फाइट जरूर लेना चाहेंगे, यहाँ पे पुश आ चुका है कैरी का एंड देखते हैं यहाँ पे पुश लेते हुए यहाँ पे स्प्रे डाउन करते हुए एंड यहाँ पे इन्होंने स्पॉट जरूर किया है। यहाँ पे स्प्रे डाउन करके हुए टीम ब्लिट्स को यहाँ पे कंप्लीटली फिनिश ऑफ कर दिया है। टीम बीएस के प्लेयर्स यहाँ पे बिल्कुल थोड़े से पास है बट इतने भी कुछ ज्यादा पास नहीं है। गॉडल के टीम गॉडल की स्क्वाड यहाँ पे वाइप आउट करती हुई ब्लिट्स की स्क्वाड को।